केरी साहब, मैं अब्बास को स्कूल से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बेकसूर है। गैर कानूनी हथियारों का व्यापार वो इम्पॉसिबल सर। वरुण, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। सर एक बार आप उससे मिल तो लीजिए सर, ट्रस्ट मी सर, वो ये सब कर ही नहीं सकता सर। प्लीज़ एक बार, आपको उसका केस लड़ना ही होगा। तू इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि वो निर्दोष है? ये प्रमाण है तेरे पास इस बात का? चल, कह रहा है तो मिल लेंगे। सब इसे तो बहुत चोट लगी, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। आइए गाड़ी में बैठिए। नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। भागना होगा कहाँ? भागना होगा, आपको चोट लगी अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? आप प्लीज काबू रखिए अपने आप पे, कौन मार देगा? वो लाल पुस्तक, आज तक उसने किसी को भी नहीं बख्शा, अब मेरी बारी है। लाल पुस्तक, लाल पुस्तक छोड़ो, संभालिए। दवे को फोन लगा। She's dead. दवे, सर नॉर्मल एक्सीडेंट है, हम इसकी इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता वरुण की ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, इसके पीछे कुछ है। तूने देखा नहीं कितनी विचलित थी वो लड़की? सर लेकिन हमें अब्बास से मिलने जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। जाते वरुण, जल्दी क्या है? जल्दी है। दवे बता, क्या पता चला लड़की के बारे में? नाम रिया, उम्र 17 साल, माँ का नाम सुषमा था, बचपन में गुजर गई थी। पिता रवि के 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो पिता और बेटी दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई ही है। संजोग है या साजिश? मुझे तो लगता है साजिश ही होगा, और क्या पता चला? उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, और वो थी भी नाबालिग, इसलिए उसे एक गोट शेल्टर नाम के अनाथालय में रखा गया। अनाथालय से निकल कर इस तरह सड़क पर दौड़ क्यों रही थी? क्या कारण था इसके पीछे? वहां से भाग निकली थी, वजह पता नहीं चली, तहकीकात जारी। लड़की के मृत शरीर से कोई वस्तु मिली? एक लाल पुस्तक मिली है। देख सकता हूँ? तिवारी, केड़ी मैंने चेक कर ली है, प्रेमचंद की कहानी है और कुछ नहीं। रिया ने पुस्तक रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से इशू करवाई थी, मैंने वहां पता किया है, रिया वहां की मेंबर थी, उसने कल सुबह ही ये पुस्तक वहां से इशू करवाई। सर देखा, इस केस में कोई दम नहीं है सर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हमें अब्बास से मिलने जाना है। चलते हैं, और इतनी जल्दी क्या है? अभी अगर तुझे आपत्ति ना हो तो मैं ये लाल पुस्तक ले जाऊं स्टडी करने के लिए। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। सब सर्कल अब्बास के केस की तारीख है। हाँ याद है मुझे, तो अदालत चले जाना और अगली तारीख ले लेना। सर क्यों, आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे पहले इस पुस्तक के रहस्य को सुलझाना है। सर कोई रहस्य नहीं है इसमें, सिर्फ एक सिंपल सी बुक है। ये तेरा मानना है। सर सिर्फ मेरा ही नहीं, दवे भी यही कह रहा था, पर आपने भी तो इस किताब को 2 बार चेक कर लिया। तो अगर मैं अपनी संतुष्टि के लिए इसे 3री बार पढ़ना चाहूं तो तुझे क्या आपत्ति है? सर रिया की मौत की वजह ये लाल किताब नहीं है, उसकी मौत हमारे सामने हुई है, वो भी एक एक्सीडेंट में। वरुण, उससे पहले जब रिया हमारे पास आई थी तब वो घायल थी, और उसी ने कहा था कि इस पुस्तक के कारण ही उसकी जान को खतरा है, याद है तुझे? सब रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अब्बास के केस को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, अब मुझे कब क्या करना है ये तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे। सब आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब आपको मेरी दोस्त की चिंता ही नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त अब्बास को जेल में सड़ता हुआ नहीं देख सकता। काम डाउन वरुण। आई कांट काम डाउन सर। अरे अरे क्या करते हो तुम लोग? हाँ वरुण केडी के साथ ऐसा बात करता है? हाँ इतना गुस्सा, सर पर बर्फ रखो एंड कूल डाउन। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बॉय?
सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। जी हाँ, केडी पाठक एसएसपी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो समझ गया मैं तभी, कहा ना मैंने कल सवेरे तक लाल पुस्तक लौटा दूंगा। चल भाई। एसिड नहीं है ये, सोडियम कार्बोनेट है। अगर पुस्तक में अदृश्य स्याही से लिखा हुआ होगा कुछ इनविजिबल इंक से, पन्ने गुलाबी हो जाएंगे। कुछ भी क्यों नहीं होता, वेयर इज द पिंक कलर? मैं आता हूँ अभी। अरे इतना लेट के जी? लाइट ये देखिए, हां देखिए, अगर जो अंदर देख, अंदर देख क्या किया तूने। अरे गोली चली, ये किसी ने फेंका। अरे साहब ने, हां साहब, हां यहां पर किसी को गोली लगी है। ए तूने गोली चलाई? मैंने नहीं चलाई गोली। चल वरुण, उसको हॉस्पिटल में लेकर राघवन, हम वो देख लेंगे। राघवन जल्दी साहब को फोन लगा। साहब, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से राघवन बोल रहा हूं। रेडी तबे ने गोली चलाई है, ये रही बंदूक, अस्पताल लेके जाओ इन्हें। तबे मैंने गोली नहीं चलाई। तबे वो मैं यहाँ आया तो अंधेरा था, तो गोली चली, फिर अचानक छोड़ो इन्हें। आया छोड़ो इन्हें। केडी, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तबे वरुण, आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला।
वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूं, सब मेरा क्रिसमस गिफ्ट का है। आज स्पेशल गिफ्ट बनता है, आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। जब भी मुझे शिफाली का फोन आता है, से मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सर कोई रहस्य नहीं है इसमें, सिर्फ एक सिंपल सी बुक है। गर्व है मुझे तुझ पर। सर मुझे आपके सहायक होने पर। केडी पाठक के सहायक वरुण की केडी पाठक ने गोली मारकर जान ले ली। पुलिस ने उन्हें इस जुर्म का दोषी पाया तो केडी पाठक ने इकबाले जुर्म से इनकार कर दिया। क्या बॉस, फर्स्ट टाइम? टेंशन नॉट बॉस, पहले दो तीन मच्छरों से तकलीफ होएगा। हाथ में मच्छर लोग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा ना? अपनी भी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन क्या है ना बॉस, आज तुम इधर आया और अपुन जा रहे हैं। क्या ना बॉस, अपुन का टाइम खराब चल रहा है, इसीलिए तो एक घड़ी चुराने के इल्जाम में अपुन को इधर लॉकअप में लाया, गिरफ्तार किया। लेकिन क्या बॉस, पता है क्या, सरकार कुछ साबित नहीं कर सकती। क्या बात है बॉस, मस्त घड़ी पहने लिए, एकदम सॉलिड, एकदम महंगी लग रही है, मस्त बड़े घर का लगता भाई। अरे मां की जय, क्या लुक है बॉस, एकदम मोहिताचन, क्या बात है। बस अपुन को ना ऐसा सॉलिड डाउट आ रहा है कि अपुन ने तेरे को देखे रख नहीं, अरे डेफिनेटली देखने है, सॉलिड देखे ले। अरे बाप वकील है तू, है ना, वो क्या नाम, क्या सॉलिड नाम है, पाठक, केडी पाठक, क्या बात है बॉस, अपुन ने तेरा इंटरव्यू पढ़े ला, देखे ला है न्यूज में, और ऐसा कैसा, अरे तुम तो अपुन लोगों को बाहर लेके जाता है, आज तुम खुद ही चंदन, कैसा। ए विरार फास की माफक बोलना बंद कर, चल इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। आता हूँ साहब। ठीक है चल बॉस, अपुन जाता है। सुनो
तुम्हारे घर में आईना तो होगा, उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये प्रश्न पूछना कि तुम वाकई बेगुनाह हो या नहीं। इंसान के चरित्र का सबसे बड़ा साक्षी इंसान खुद होता है। केडी, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लाई हूँ, प्लीज थोड़ा खा लो ना। अखबार देना, देखूं उन लोगों ने कितना कालिक पोता है मेरे सर पे। राम बना रावण, कानून का रखवाला या कानून का अपराधी, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। ये मीडिया वाले भी ना थाली का बैंगन होते हैं, इतनी पर नकल नहीं है कि कल तक जिसकी तारीफ से पूरा पेपर प्रिंट करते थे आज उसी की बदनामी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अपना बिली, किसी के जुबान में हड्डी नहीं होती। But then too, तुमको ना सबकी बोल्टी बंद करना चाहिए। परसों तुम्हारा फर्स्ट डेट है केस का, तुम अपना केस खुद लड़ोगे या फिर मैं एडवोकेट कुमार या वर्मा जी से बात करूं? मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा, और केवल अपने बचाव के लिए नहीं मिली, वरुण मेरे भाई जैसा था, उसके साथ ये जिसने भी किया है उसे दंड दिलवाना केवल मेरा कर्म नहीं, मेरा धर्म भी है। का हक नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भतीजे की तस्वीर पर भी तेरा साया पड़े। दो साल का था वो जब उसके माता पिता ने उसे तेरे हवाले किया, औलाद की तरह पाला थे और तेरे हवाले किया ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तूने क्या किया? क्या किया? उसे मौत की नहीं सुना दी। पर वो कहता था केडी मेरे भाई जैसा है, ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है भाई, सब सब नहीं। इसके पहले कि मैं तेरा कड़ा घोर दूं तू चला गया था, चला गया था, चला गया था। पाठक, बहुत ही अफसोस की बात है कि देश के सबसे होनहार वकील पर आज उसी के सहायक के खून का इल्जाम लगा हुआ है। आप ये केस खुद लड़ना चाहेंगे या किसी वकील को नियुक्त किया है? जी योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी स्वयं करूंगा। इसके पीछे दो कारण हैं। सर्वप्रथम अपने आप को निर्दोष साबित करना, द्वितीय वरुण के असल हत्यारे को सजा दे। आप सिर्फ अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर लीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि आप ही ने वरुण जवहरी का खून किया है। योर ऑनर, वरुण मेरा बहुत चहेता था, मेरे छोटे भाई जैसे, भला मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा? यही सवाल तो मुझे सता रहा था योर ऑनर। जब ये केस मेरे पास आया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा दो बातों से। सबसे पहले तो वरुण की मौत, वरुण जवहरी, कल तक तो वहां पे उस बेंच पे बैठा था और आज आज पछड़ा था हमारी अदालत का योर ऑनर। इस अदालत का सबसे वेल मैनर्ड, अच्छा लड़का, प्यारा लड़का, हम सबका चहेता,
दूसरा झटका लगा मुझे कि उसका खून किया है केडी पाठक ने। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो इजाजत है। जायसवाल, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये बताइए कि वरुण की हत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य था। एक नहीं, दो कारण थे, ईर्ष्या और लालच। योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि माननीय श्री केडी पाठक मुझसे कितनी नफरत करते हैं और वरुण जवेरी से कितना प्यार, और जब उनका प्यारा वरुण उनके बजाय मुझे केस सौंपना चाहता था अपने दोस्त का, मुझे वकील नियुक्त किया, तो उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अक्सर ऐसा होता है इंसान के साथ योर ऑनर। सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण केडी पाठक का असिस्टेंट? जी हाँ, केडी पाठक असिस्टेंट। मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड आवाज, उस पर गैर कानूनी हथियारों की हेरा फेरी का आरोप लगा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। तो केस लड़ूंगा और 10 मिनट में तुम्हारे दोस्त को बचा भी लूंगा, लेकिन तुम केडी पाठक से ही केस क्यों नहीं लड़वाते? कहा था उन्हें, लेकिन उन्हें इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ये केस दे पाऊंगा। और इस बात का वरुण को बहुत बुरा लगा था योर ऑनर, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी कन्वर्सेशन मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है और बतौर एविडेंस के मैंने अदालत में जमा भी कर दी है। पाठक साहब, योर ऑनर, मैं मानता हूँ इस बात को कि अब्बास का केस लड़ने में मैंने जरा आलस दिखाई और इस बात से वरुण नाराज होकर उसने जायसवाल साहब को फोन किया। इस बारे में उसने मुझे मैसेज भी किया। हाँ, बताया था और आपने जताया था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था पाठक साहब, और आपने वरुण को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। योर ऑनर, वरुण और मेरे बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन बहस हुई इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि मैं उसकी हत्या कर दूं। लेकिन दूसरा भी तो कारण था, लालच। लालच? लालच। कैसा लालच? वरुण के नाम का आपने इंश्योरेंस निकलवाया था, इस बात का तो आपको पता ही होगा। योर ऑनर, में न्यू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट श्री सुनील गणात्रा को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सुनील जी, ये बताइए कि कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? सर, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस है और ये कोई कंपनी या ऑफिस के मालिक ही ये इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं। इसमें कंपनी के खास मुलाजिम या पार्टनर के नाम से इंश्योरेंस निकलवाया जाता है। और अगर ये कीमैन की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस के पैसे किसको मिलते हैं? कंपनी के मालिक को मिलता है। केडी पाठक जी ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया था? जी हाँ, पाठक सर ने वरुण के नाम का 25 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस निकलवाया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वरुण, यहाँ साइन कर दे। सर, मैं क्यों? अरे, क्योंकि तेरे नाम का इंश्योरेंस है, ये कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। कीमैन? सर, कीमैन का मतलब? वरुण, अब कीमैन इंश्योरेंस ये होता है जो कंपनी का जो अहम व्यक्ति होता है, कर्मचारी, उसके नाम पर ही इंश्योरेंस निकाला जाता है। अर्थात सरल भाषा में, अगर तुझे कल कुछ हो गया तो ये रकम कंपनी को मिलेगा, तेरे बाद जो तू जिम्मेदारियां छोड़ के जाएगा उसकी भरपाई के लिए। और केडी सर ने आपके नाम 25 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया? हाँ, मतलब अगर कल तू भगवान को प्यारा हो गया तो मैं तो बहुत धनी इंसान बन जाऊँ। सब मजाक कर रहा हूँ। वरुण का उनकी मौत हो गई और आपका जीवन सुखदाई हो गया पाठक साहब। 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी ईमानदार आदमी का ईमान हिलाने के लिए। मिस्टर आईएम जायसवाल, दुनिया की भारी से भारी रकम केडी पाठक का ईमान नहीं हिला सकती, ये तो आप जानते ही होंगे। योर ऑनर, मैंने वरुण के नाम पर यह बीमा निकलवाया था, लेकिन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के आग्रह का, और उसी दिन से प्लान बना लिया था कि मैं वरुण को मार डालूंगा और 25 करोड़ रुपए हथिया लूंगा। और वरुण के विद्रोह ने आपके लालच को गुस्से का ईंधन दिया और आपने वरुण का खून कर दिया। जायसवाल साहब, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैंने वो वाक्य मजाक में कहा था। हाँ, लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, और वो जो 25 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले इंश्योरेंस के, वो भी हकीकत है, कोई मजाक नहीं है। ये अदालत है, कोई हास्य परिषद नहीं मिस्टर पाठक, जहाँ आपके मजाक पर हम सब हंसेंगे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि केडी पाठक
आईएम जायसवाल से ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अदालत और हास्य परिषद के बीच अंतर क्या होता है। लेकिन आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है सबूत और गवाह पेश करने की। योर ऑनर, मेरे पास आप क्यों कष्ट करते हैं? योर ऑनर, जायसवाल साहब इस देसी तमंचे की बात कर रहे हैं जिससे वरुण की हत्या की गई है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि मेरे पास अपना लाइसेंस रिवॉल्वर है और वकालत का इतना अनुभव कि अगर मैं वरुण की हत्या करना चाहता तो उसे अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारता और अपनी दलील में आत्मरक्षा की दलील रखता। ऐसा नहीं किया मैंने। आपको वकालत का इतना अनुभव है तो फिर इतना बता दीजिए कि इस देसी तमंचे पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे? उंगलियों के निशान तमंचे पर होना इस बात का सबूत नहीं है योर ऑनर की गोली मैंने चलाई। अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा गवाह पेश कर देता हूँ जिसे साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने ही किया है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह है आपके पास जिसने मुझे ये हत्या करते हुए देखा? क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी सुनना चाहूंगा। उन्हें बुलाइए। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? बलाट पेयर में रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी के पास, उसके बाहर नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उस रात वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जरा डिटेल में बताएंगे? उस रात को वरुण जवेरी सबसे पहले आकर लाइब्रेरी में दाखिल हुए, उसके बाद आरोपी केडी पाठक आए और वो लाइब्रेरी में घुस गए। उसके कुछ देर बाद एक गोली की आवाज सुनाई और ऑन ड्यूटी कांस्टेबल राघवन, हम दोनों उस लाइब्रेरी में दाखिल हुए और राघवन ने लाइट ऑन किया, देखा तो आरोपी केडी पाठक के हाथ में तमंचा था। वरुण नीचे गिर चुका था, उसे गोली लग चुकी। योर ऑनर, इनके बयान से तो साफ साफ साबित हो जाता है कि जब ये और राघवन लाइब्रेरी में अंदर घुसे, राघवन जी ने लाइट ऑन की तो केडी पाठक के हाथ में वो तमंचा था और वरुण के शरीर में गोली लगी थी। इसका मतलब कि गोली इन्होंने चलाई। योर ऑनर, मैं कांस्टेबल हुकुम सिंह की कथन से सहमत हूँ, ऐसा ही हुआ था, लेकिन घटनाक्रम कुछ और था। योर ऑनर, मुझे अपने मोबाइल फोन पर वरुण का संदेश आया जिसके कारण मैं लाइब्रेरी गया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। मैंने वरुण को पुकारा और कुछ ही क्षण में गोली चलने की आवाज़ आई और किसी ने मेरी ओर कुछ फेंका। योर ऑनर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मेरी कि मैंने उस वस्तु को पकड़ा। इसी समय में हुकुम सिंह और राघवन दोनों अंदर आए। राघवन ने बत्तियां ऑन की और मैंने देखा मेरे हाथ में हत्या का औजार था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि किसी ने आपकी ओर वो तमंचा फेंका, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी था? ऑब्वियसली मिस्टर जायसवाल, वो तीसरा जिसने गोली चलाई। जी, आपने वरुण जवेरी और केडी पाठक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी में अंदर जाते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और आपने जब गोली चलने की आवाज़ सुनी, आप और राघवन जब लाइब्रेरी की ओर दौड़े, तब किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए देखा? नहीं सर, उसका इन्होंने तो नहीं देखा। हाँ शायद पाठक जी, आप दरवाजे के पास खड़े थे, क्या दरवाजे के पास से कोई धक्का मार के आपको यूं बाहर भागा? जी नहीं। अब क्या? हाँ, एक हो सकता है, अगर वो तीसरा व्यक्ति बाहर नहीं भागा तो लाइब्रेरी के अंदर ही होना चाहिए था, नहीं? योर ऑनर, स्पष्ट रूप से कोई तीसरा व्यक्ति था, पर उनकी हत्या हुई तो गोली मैंने नहीं चलाई, तो वो गोली अंततः चलाई किसने? उस तीसरे व्यक्ति ने। तो वो अंदर अगर था तो वो कहाँ था? इसका जवाब तो योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे दे सकते हैं। इंस्पेक्टर दवे, 20 जुलाई की रात क्या हुआ था? जब हुकुम सिंह ने मुझे घटना की जानकारी दी तो मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंचा। वहां सिर्फ केडी और वरुण थे, तीसरा कोई नहीं। आपने लाइब्रेरी को उसकी ठीक से तलाशी ली? जी। ये बताइए कि वो लाइब्रेरी का सिर्फ एक ही दरवाजा है आना जाने के लिए? जी, वहां पे एक ही दरवाजा है, तो दो खिड़कियां थी जो अंदर से बंद। योर ऑनर, जैसा कि हुकुम सिंह और पाठक साहब ने कहा कि उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को दरवाजे से तो बाहर जाते हुए देखा नहीं, तो हो सकता है कि वो तीसरा व्यक्ति खिड़की से बाहर गया हो। लेकिन अगर वो खिड़की से भागा होता तो खिड़की अंदर से कैसे बंद? तो कुल मिलाकर कुछ बात यूं समझ में आ रही है योर ऑनर, कि एक दरवाजा, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति को गोली लगी थी और दूसरे व्यक्ति के हाथ में तमंचा था जिस तमंचे से गोली चलाई गई थी। मैं और क्या समझाऊं योर ऑनर। चलो ठीक है, और समझा देता हूँ। मेरे पास और भी एक सबूत है योर ऑनर, ये योर ऑनर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट।
सर, इससे साफ साबित होता है कि गोली उसी दिशा से चलाई गई थी जहां पर पाठक साहब खड़े थे, हाथ में तमंचा लिए हो गए आप। और मैं क्या बोल? बहुत बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। अभी योर ऑनर, अब तक की कार्यवाही में कुछ प्रश्न उठे हैं। सर्वप्रथम ये कि जिसका मुझे विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां था, उसे किसी ने आते या जाते क्यों नहीं देखा? और अगर वो था वहां, तो अचानक वहां से ओझल कैसे हो गया? तीसरी बात योर ऑनर, जब मैंने गोली चलाई ही नहीं, तो फिर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट ऐसा क्यों कहती है कि गोली मेरी दिशा से चली थी? योर ऑनर, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम मैं हुकुम सिंह को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात को आपके अपने कथन के अनुसार आप वहां लाइब्रेरी पर ड्यूटी कर रहे थे, तो ये जो रात की ड्यूटी होती है, नींद नहीं आ जाती आपको? जी, मुझे रात में ड्यूटी पर सोने की आदत नहीं। जगे रहने के लिए क्या करते हैं आप? जी, मैं ड्यूटी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। तो जिस समय आपने वरुण को अंदर जाते हुए देखा, आप क्या कर रहे थे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे? जी सर। फिर भी आपने वरुण को जाते हुए देखा? जी सर। हो सकता है कोई और भी गया हो, आपने देखा ना हो? देखिए, मैं बरसों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, नाइट में पेट्रोलिंग करते रहता हूँ, साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे नज़रों से बचकर आज तक कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। आपकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूँ कि हुकुम सिंह जी को अपने हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा जाए। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये हनुमान चालीसा पढ़वा कर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, जो साबित होना है वो तो हो ही जाएगा अगर जायसवाल साहब टोकेंगे नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। पढ़िए। क्षमा चाहता हूँ, टोकने के लिए ये कितने नंबर +3 रीडिंग ग्लासेस लग रहे हैं? जी हाँ, +3। +3 बहुत मोटे मोटे हैं। पढ़िए पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्षमा चाहता हूँ हुकुम सिंह जी, पढ़ते हुए आपको मुझ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि मैं आरोपी हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िए। बिल्कुल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग, कंचन वीरन विराज सुएगा। बस बस बस, तो क्या देखा आपने बताइए? जी आप अपनी जगह से हिले नहीं। Your Honor, जिस जगह पर मैं खड़ा था वहां से बिल्कुल हिला नहीं, तो संभव है कि कोई तीसरा व्यक्ति घुसा था जिसे इन्होंने देखा नहीं। Objection, Your Honor. पाठक साहब गवाह को घुमाकर केस को भटका कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत जो है मैं बता चुका हूँ, सबूत पेश कर चुका हूँ, मैं गवाह पेश कर चुका हूँ, यहाँ तक कि ये भी साबित कर चुका हूँ कि वरुण जवेरी को मारने के लिए पाठक साहब के पास कारण था। कारण पता होता आपको अगर आप होमवर्क करते, लेकिन होमवर्क करते कैसे, आपके पास तो टेक्स्ट बुक था ही नहीं। नहीं सर, योर ऑनर, एक लाल पुस्तक है जिसके कारण एक रिया नामक लड़की की जान गई थी। रिया ने मरते समय मुझे ये कथन दिया था कि उस पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो उस लाल पुस्तक के कारण ही हुआ था। और केवल रिया नहीं योर ऑनर, इस लाल पुस्तक के कारण कई और लोगों की जान भी गई है। मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर के वरुण की मृत्यु के पीछे ये लाल पुस्तक ही है। योर ऑनर, अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं रिया की सहेली। एक मिनट पाठक साहब, जरा होल्ड योर हॉर्सेस। योर ऑनर, ये अचानक इस केस में लाल किताब कहाँ से आ गई? प्रोसिक्यूशन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता होना चाहिए। कारण है वरुण की मृत्यु। हाँ तो अगर मुझे तो पता होना चाहिए, मैं प्रोसिक्यूशन, आई एम जायसवाल प्रोसिक्यूशन। पता लगाइए। हाँ तो पता लगाने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए कि नहीं? योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाल किताब, अगर कोई तथ्य है उसमें, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए। अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. Thank you. केडी बॉस, आपने पहचाना पुन को?
अरे केड़ी बात अपुन समन बॉय। अरे आपको बाजू वाले लॉकअप में मिला था ना फर्स्ट टाइम। आपने अपुन को बोला था ना कि आईने के सामने ऐसा खड़ा रहने का और पूछने का, तो पता है मालूम आईना अपुन को क्या बोला? आईना अपुन को बोला कि अपन एक नंबर का बंडल बा, एकदम घटिया, एकदम मवाली छोकरा। अपुन में दिन माना वो कोई चीज ही नहीं, अपुन ने बहुत पाप किया था। तो अपुन ने पूछा गया पाप धोने का कैसे, तो उसने कहा जाके किसी अच्छे और शरीफ आदमी की मत कर, बस माँ कीजिए। अपुन ने अक्खा लाइफ में आप जैसा शरीफ और अच्छा और सच्चा इंसान देखा ही नहीं। अपुन आपकी मदद करने वास्ते आए इधर। अच्छा तो तुम ना मेरी सहायता करना चाहते हो? हाँ बॉस। बॉस अपुन के पास ऐसा सॉलिड खबर है ना कि पूरा केस पलटी होएगा और आपकी गोद में। हाँ सुन, तेरी बल्फ मस्ती यहाँ चली, चल जाए यहाँ से। अरे सब सब अपुन को लाल किताब के बारे में मालूम है, अपुन को कुछ बताने का है आपको लाल पुस्तक के बारे में। बॉस वरुण भाई को ना लाल पुस्तक का राज पता चल गया था, इसलिए उनका मर्डर हुआ। तुम्हें लाल पुस्तक के बारे में कैसे पता? अपुन को सब का खबर रहता है। हाँ बॉस ये लाल पुस्तक है ना, जिस लोग के पास जाता है ना वो आदमी ऐसा यूं सॉलिड तरीके से एकदम लखपति, लेकिन एक दो हफ्ते में उसका विकेट टपक जाता है बॉस। अरे वो रिया थी ना, उसका बाप का मर्डर हुआ, मर्डर एक्सीडेंट नहीं, वो भी है लाल पुस्तक के चक्कर में, और लोगों को गलत फहमी के एक्सीडेंट। देखो तुम्हारी बात है, बिना साक्ष्य के ना मैं मानूंगा ना अदालत, ठीक है? क्या साक्ष्य? सबूत, सबूत लेकर आओ फिर बात करते हैं। लाएगा बॉस, सबूत लेके आएगा अपुन। गुड वाला मॉर्निंग बॉस। ये सीमा पत्रकार महोदया हूँ, नहीं ठीक, इवनिंग न्यूज की क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है मेरे पास? लाल पुस्तक, बहुत लोगों की मौत हुई है उसके कारण, मुझे उसका राज जानना है, इसीलिए मैं दिखावे के लिए तो संगीत क्लासेस चलाती हूँ लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन करती हूँ। अंडरकवर ऑपरेशन करती हैं तो मेरे सामने अपना राज क्यों खोल रही हैं? आपकी फैन हूँ सर, जब क्राइम रिपोर्टर थी तब भी आपके सारे केसेस फॉलो किया करती थी, और सर मुझे पूरा यकीन है कि वरुण का कत्ल आपने नहीं किया है सर, इसीलिए असली हत्यारों को पकड़वा कर उस लाल पुस्तक की तह तक पहुँचना चाहती हूँ मैं। वरुण के हत्यारे को दंड दिलवाने में आप मेरी सहायता कर रही हैं, आभार मानता हूँ आपका सर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी आइडेंटिटी को गुप्त रखिएगा, क्या ना मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप चिंता ना करें बस, अपने को ना बहुत गुड वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम ऐसा फ्रेश। वो पहली बार कुछ अच्छे काम करने में टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी यूज किया ना बॉस। धन्यवाद, जाओ तुम। मैडम योर ऑनर, पिछली सुनवाई में पाठक साहब लाल किताब को लेके बहुत अस्त व्यस्त हो रहे थे, कुछ रहस्य वगैरह क्या क्या बोल रहे थे, और वरुण मर्डर केस में उसको जोड़ना चाहते थे, तो मैंने कुछ समय मांगा तो होमवर्क करने के लिए होमवर्क किया मैंने। पाठक साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाल किताब में कुछ है ही नहीं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं योर ऑनर, मेरी बात को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। जी उस किताब में प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां थी, इसके अलावा कुछ नहीं। पाठक साहब क्या दवे ने आपसे ये बात कही थी? जी कही थी। और फिर भी पुलिस और फोरेंसिक दोनों की बात आपको गवारा नहीं हुई और वो लाल किताब लेकर आपने खुद उस पे कुछ टेस्ट किए, क्यों? योर ऑनर क्योंकि जैसे मैं पिछली सुनवाई में कह चुका हूँ, मरते समय रिया ने अपने कथन में कहा था कि उसकी मृत्यु उसी लाल पुस्तक के कारण हुई है। आपकी बात मान लेते हैं लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे पाठक साहब, कि एक 17 साल की लड़की आपको कुछ बयान देती है उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं आप? जसवाल साहब, जीवन और मृत्यु आयु से नहीं नापी जाती, एक नवजात शिशु की सांसें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की आपकी और मेरी, और आप जानते हैं मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। सच बोल रही थी या झूठ, इस बात का जवाब तो रिया की रूममेट देगी और ऑनर, जो गॉड्स शेल्टर अनाथालय में उसके साथ रहती थी, अर्पिता। रिया और मैं एक ही कमरे में रहते थे। रिया का बर्ताव कैसा था? अजीब, पागल, कभी भी कुछ भी करती थी वो, कभी दो दिन तक नहाती नहीं थी तो कभी अचानक रात के 2 बजे उठकर नहाने लग जाती थी और 1 घंटे के बाद ही निकलती थी, कभी एक साथ 10 रोटियां खा लेती थी और कभी खाने को देखकर प्लेट फेंक देती थी।
मुझे तो उससे बहुत डर लगता था। योर ऑनर, क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? ये बताओ, जब रिया तुम्हारे साथ रहने लगी, ये नहाना खाना ये सब तो मन की बातें हैं, जब चाहा कर लिया, जब भूख लगी खाया, नहीं भूख लगी नहीं खाया। जब से रिया तुम्हारे साथ रहने लगी, कोई ऐसी विशेष विचित्र बात हुई जिससे तुम्हें ऐसा अचंभा हुआ हो? जी, जब मैं डिनर लेकर वापस कमरे में लौटी, तब मैंने देखा कि रिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ऑब्वियसली, अगर कमरे में चोर घुस आएगा तो किसी को भी डर लगेगा। चोर के कारण नहीं योर ऑनर, वास्तविकता में रिया उस लाल पुस्तक के कारण घबराई हुई थी। वो लाल पुस्तक उस समय उसी के पास था और उसे भय था कि उस लाल पुस्तक को पाने के लिए वो व्यक्ति उस पर हमला ना कर दे। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास और कोई सबूत या गवाह है, क्योंकि इनकी ये जो कहानी थी रिया की मौत लाल पुस्तक के साथ वरुण मर्डर केस को जोड़कर अपने आप को बचाने की, फ्लॉप हो गई। कि पाठक साहब ने पिछली सुनवाई में और एक कहानी बनाई थी योर ऑनर, कि एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते अगर वो वरुण का खून करना चाहते तो खुद अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर का उपयोग करते और आत्मरक्षा में गोली चलाई, ऐसा कुछ कहते। और वो जो तमंचा था वो किसी और ने तमंचे से गोली चलाई, तमंचा उनकी ओर फेंका और उन्होंने पकड़ा, जिस कारण तमंचे पे उनकी उंगलियों के निशान आ गए, ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने झूठ कहा है, और ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं अपने अगले गवाह चिल्लर उपचंदन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, चिल्लर उपचंदन गैर कानूनी हथियार का धंधा करता है और पुलिस रेड में कई बार पकड़ा गया है, आप तो जानते होंगे। केडी साहब, जवाब दीजिए, आप चिल्लर को जानते हैं या नहीं जानते? खैर कोई बात नहीं, चिल्लर बता देगा। क्यों भाई चिल्लर, आप केडी पाठक को जानते हैं नहीं जानते? नाम तो नहीं पता लेकिन जानता हूँ। 20 जुलाई की रात ये साहब आए थे और इनको एक देसी तमंचा चाहिए था। Order, order, silence in the court, please. Your Honor, 20 जुलाई की रात जिस रात वरुण की मौत हुई, उस रात देसी तमंचा खरीदने गए थे पाठक साहब। वहां से देसी तमंचा खरीदा, चिल्लर के पास से वरुण का पीछा करते करते लाइब्रेरी तक गए और उसी देसी तमंचे से वरुण की हत्या कर दी। क्यों पाठक साहब, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बताइए, 20 जुलाई की रात आप चिल्लर के पास गए थे या नहीं देसी तमंचा खरीदने के लिए? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप गए थे या नहीं, हाँ या ना? जी योर ऑनर, गया था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.